हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सब फाइलम सीलियोफोरा के बारे में, जो कि सब फाइलम है प्रोटोजोआ का, जिसके अंदर सीलियोफोरा के अंदर भी एक क्लास प्रेजेंट है जिसे कहेंगे सीलियाटा। सीलियोफोरा के अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जिस भी किसी भी प्रोटोजोआन के अंदर सिलिया प्रेजेंट है या इसके अलावा सकिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट है तो वो कैरेक्टरिस्टिक होगी सीलियोफोरा सब फाइलम की, जिसके अंदर जो न्यूक्लिय होंगे वो वन या टू टाइप्स के प्रेजेंट होंगे। सेम कैरेक्टरिस्टिक अगर इसके क्लास के बारे में बात करें तो सीलियोफोरा के पास एक ही क्लास है सिलियाटा, उसी के अंदर ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक आएगी जो भी सीलियोफोरा के अंदर आई थी। सिलियाटा के अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो लोकोमोशन होगा वो बाय सिलिया होगा या स्टॉक के द्वारा होगा। इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वर्टिसेला के बारे में। वर्टिसेला के बारे में अगर बात करें तो ये जो पूरा एनिमल होगा वो बेल शेप में होगा और इसी की वजह से ही इसे कहेंगे बेल एनिमल क्यूल। खड़ी क्या कहेगा? बेल एनिमल क्यूल। इसकी वजह है कि जो एनिमल होगा वो बेल शेप में होगा। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो एनिमल होगा वो मेनली सॉलिटरी होगा। जो वर्टिसेला होगा वो सॉलिटरी होगा। सॉलिटरी मीन्स जो भी एनिमल अकेले सर्वाइव करता है उसे हम सॉलिटरी कहेंगे। ये कॉलोनी बना के नहीं रहते, ये अकेले ही सर्वाइव करते हैं और कहीं पर भी रहते हैं तो वो अकेले ही रहते हैं, इसलिए इस एनिमल को सॉलिटरी कहा है। और अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो ये रिवर और पॉन्ड्स मीन्स के फ्रेश वाटर के जो भी सोर्सेस हो गए वहाँ पे ये हमें मिल सकता है। रिवर और पॉन्ड के अंदर भी ये अटैच हुआ होगा वीड्स और स्टॉन्स, एक्वाटिक वॉर्म्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस के बॉडी के ऊपर। वीड्स यानी जो पानी के अंदर का जो घास होगा उसे हम वीड्स कह सकते हैं। इसके अलावा स्टोन के जो सरफेसेस है पत्थरों के ऊपर की सरफेसेस, एक्वाटिक वॉर्म्स है उसकी बॉडी के ऊपर, फिशेस के या एम्फीबियंस के बॉडी के ऊपर अटैच हुआ होगा स्टॉक के द्वारा। बॉडी लेंथ की बात करें तो बॉडी लेंथ होगा इसका 150 माइक्रोन्स इन लेंथ। जो बॉडी लेंथ होगा 150 माइक्रोन्स के जितना होगा। एक्सक्लूडिंग स्टॉक की बात करें तो विच इज बॉडी लेंथ 52,4150 जितना माइक्रोन्स जितना इसका बॉडी लेंथ होगा। अब बात करते हैं इसके बॉडी शेप के बारे में। तो बॉडी शेप के बारे में तो हमने बताया था कि ये जो वर्टिसेला का बॉडी होगा वो बेल शेप में होगा, इसी की वजह से इसे बेल एनिमल क्यूल कहा गया है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ जो एनिमल होगा वो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होगा, जिसकी मदद से वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हुआ होगा, वीड्स हो, स्टोन हो या किसी भी फिशेज या एम्फीबियंस की बॉडी हो, उनके साथ ये अटैच हुआ होगा। तो जिसकी वजह से ये अटैच होता है वो स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्टॉक आधार, और उसके अंदर जो भी फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे उसे कहेंगे मायोनेमेज। नॉर्मली ये पेलिकल या प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बॉडी के स्टार्टअप मतलब कि एंटीरियर पोर्शन के बारे में बात करें तो एंटीरियर पोर्शन होगा जिसमें कोलार शेप में एक होगा जिसे हम कहेंगे कोलार। जो कोलार शेप में होगा बॉडी का पोर्शन उसे कोलार कहेंगे। कोलर के अंदर हमें मेनली टू पोर्शन प्रेजेंट दिख जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ये डिस्क वाला जो भी पोर्शन है उसे कहेंगे सिलिएटेड डिस्क। उसी के बाजू में एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर, खाच जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसे कहेंगे ओरल ग्रू, जहां से वो फूड अवेलेबिलिटी होती है मतलब कि फूड कैप्चरिंग करता होगा। अगर सिलिएटेड डिस्क की बात करें तो सिलिएटेड डिस्क नॉर्मली इसके नाम में उसका अर्थ है सिलिएटेड डिस्क मीन्स कि ऐसी डिस्क कि जिसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, और जो सिलिया होगा वो भी टू टाइप्स में प्रेजेंट होगा। जो नॉर्मल स्ट्रेट फॉर्मेशन में हमें दिख रहा है उसे कहेंगे इनर एडोरल सिलिया, और जो भी कॉल फॉर्म में आउटर साइड पे होंगे उसे कहेंगे आउटर एडोरल सिलिया। अगर ओरल कैविटी ओरल ग्रू की बारे में बात करें तो ओरल ग्रू के ऊपर की ओर भी हमें सिलिया मिल जाएगा। ओरल ग्रू जो होगा वो आगे बढ़ के या लीड करके एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता होगा जिसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल। अंदर की ओर बॉडी की ओर एक खाच जैसा या कैविटी जैसा खाली जगह जैसे जगह हमें दिखेगी उसे कहेंगे वेस्टिब्यूल। उसी के एक मेम्ब्रेन की बात करें तो वेस्टिब्यूल की एक साइड की जो मेम्ब्रेन होगी वो भी
सिलिएटेड होगी, तो उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। और अगर इसके बॉडी के अंदर की बात करें तो जो बॉडी होगा वो पूरा का पूरा फिलामेंट या पेलिकल्स जैसे फिलामेंट से भरा हुआ होगा, जिसे हम कहेंगे मायोनेमेस, जो पूरी बॉडी को कॉन्ट्रैक्टाइल करने में मदद करता होगा। बॉडी के अगर बीच वाले हिस्से में बात करें तो उसमें टू टाइप्स के हमें न्यूक्लियस प्रेजेंट मिले होंगे। फर्स्ट जो बड़ा वाला होगा उसे कहेंगे मैक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा वाला होगा उसे कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अलावा कितनी वैक्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। फर्स्ट ऑफ जो हमें ग्रीन कलर में दिख रही है वो होगी फूड वैक्यूल्स। इसके अलावा जो पर्पलिस कलर में दिख रही है, पर्पलिस ब्लूइश पर्पलिस कलर में, वो होगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसके अलावा जो इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी टू टाइप्स में डिफरेंशिएटेड हुआ होगा। जो भी मेम्ब्रेन के अटैच होगा, मीन्स के आउटर सर्फेसिस पे जो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और जो बीच वाला हिस्से में जो न्यूक्लियस के कॉन्टैक्ट में होगा जो भी साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा उसे कहेंगे हम एंडोप्लाज्म। ठीक है, इसके अलावा जो इसका पोस्टेरियर एंड होगा वो नैरो होता हुआ होगा, और जो भी आधारक का कामकाज करता होगा, जो भी जिसके बारे में हम बात करें, तो मायोनेमेस से नॉर्मली बना हुआ होगा। तो ये हो गई इसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत। आगे बात करते हैं हम लोकोमोशन के बारे में। अगर लोकोमोशन के बारे में बात करें तो इसका जो लोकोमोशन होगा वो नॉर्मली इसके स्ट्रोक की वजह से और इसके सिलिया की वजह से होता होगा। ठीक है, अगर बात करें न्यूट्रिशन के बारे में तो इसमें मेनली न्यूट्रिशन जो टाइप होगा वो होगा होलोजोइड टाइप का। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो मेनली असेक्सुअली टाइप का है, दिखाता है, मीन्स के असेक्सुअली टाइप का रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअली टाइप में भी बाइनरी फ्यूजन और कॉन्जुगेशन दिखाता है, जिसे हम द्विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गए इसका रिप्रोडक्शन के बारे में बातचीत। यहाँ तक हमने बाकी वर्टिसेला के बारे में सिंपल इन्फॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू।